जय गो माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, मैंने आज आपका वीडियो देखा, देखकर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में भी आपने सरकार बना ली, आपकी जिम्मेदारी और आपकी ताकत बढ़ती जा रही है, तो ऐसे समय में आपके बयान में भी जिम्मेदारी झलकनी चाहिए, आपके कार्यों में भी जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जब आपने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, कहा ठीक है, क्योंकि आपकी वोट बैंक की अपनी राजनीति है। कुछ लिब्राडनू गैंग के लोग, बड़ी बिंदी गैंग, टुकड़े गैंग, इस तरह के कुछ लोग आपके वोटर्स बन जाते हैं, कुछ लोग, सब ने तो, उन लोगों को भी तुष्ट करने का आपका दायित्व है। आप उन लोगों को तुष्ट करने के लिए कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उन पर जो दुख का पहाड़ टूटा, उनका जो कत्लेआम किया गया, उसको आपने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, और जिस भाषा का आपने प्रयोग किया, निंदनीय है। विवेक अग्निहोत्री को बोलो उसको YouTube में डाल दे तो फ्री ही फ्री है, हमें कह रहे हैं दिल्ली में टैक्स फ्री करने के लिए, विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि डाल दे, मतलब इस तरह की शब्दावली किसी व्यक्ति के लिए, एक मुख्यमंत्री, एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के रूप में विख्यात व्यक्ति को, ये शोभा नहीं देता है। मुझे ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ये सब, ट्विटर, ये सब मैं देख रहा था, तो आपके बारे में कुछ लोगों ने लिखा है कि नील बट्टे सन्नाटा और सांड की आंख जैसी फिल्मों को आपने टैक्स फ्री किया था। मुझे तो पता भी नहीं ये सब कौन सी फिल्में हैं, कब आई, कब चली गई, और ये नाम से भी नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें बहुत सामाजिक संदेश है, देशभक्ति का संदेश है, कुछ देश को सुधारने का संदेश है। नील बट्टे सन्नाटा और ये सांड की आंख, आपने ऐसी फिल्मों तक को टैक्स फ्री किया हुआ है, लेकिन आज आप जब विधानसभा में कह रहे थे तो आपके चेहरे से एक अजीब तरह की कुटिलता और धूर्तता झलक रही थी, और मुझे बड़ा दुख हो रहा था। किसी कश्मीरी हिंदू को गोलियों से भून दिया गया, उसके रक्त से सने चावल उसकी पत्नी को खिलाए गए, गिरजा टिक्कू को आरे से चीर दिया गया, लाखों लाख कश्मीरी पंडितों को एक रात में निर्वासित कर दिया गया, घर बार सब कुछ छोड़कर, दुकान मकान बागान जेवर सब कुछ छोड़कर वहां से भागना पड़ा, हजारों को कत्ल कर दिया गया, और उनको आपके चेहरे का एक्सप्रेशन जब जो जिंदा कश्मीरी पंडित हैं वो देखेंगे तो उन्हें दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो राजनीति कीजिए, पर इतने गिरे हुए स्तर की राजनीति मत कीजिए, और इतने घटिया शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, मैं रो पड़ा उस फिल्म को देखकर, मुझे दुख हो रहा है, हालांकि मैं स्टोरी जानता हूं, लेकिन फिल्म को देखने के बाद जो भाव जागृत हुए, मुझे रोना आ गया। पता नहीं आप किस दिल के बने हैं, किस हृदय के बने हैं, और कितनी तुष्टिकरण की राजनीति करोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप यदि राष्ट्रवादी राजनीति करोगे तो और अधिक सफल होगे। आप बात मानो ना, टुकड़े गैंग के लोग थोड़े से, आखिर आप बताओ ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह नारे लगाने वाले कितने हैं, मुट्ठी भर हो गए, उनको तुष्ट करने पे आप लगे रहते हो, छोड़ दो उन लोगों का साथ, देश बर्बाद हो रहा है। ये आपकी पॉलिसी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की पॉलिसी मुझे नहीं लगती है। आपकी इन हरकतों की वजह से देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय गो माता, भारत माता की जय, वंदे मातरम।